सो वेलकम टू लेक्चर 14 ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, इट्स बीन अ वाइल, सो अपोलोजीज फॉर द डिले। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो मुगल डायनेसिटी थी उसको स्टार्ट करा था, राइट? एंड मुगल डायनेसिटी वी डिस्कस अबाउट बाबर। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम मुगल डायनेसिटी के जो नेक्स्ट दो रूलर्स हैं, जिसमें प्राइमरीली जो मेन अकबर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट हुमायूं। ठीक है, इस लेक्चर में हम उनका टाइमलाइन, अगर उन्होंने कुछ यूनिक चीज़ें करी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विल ऑल्सो गो इन डेप्थ अबाउट द डिफरेंट पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशंस डन बाय अकबर विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड विद रिस्पेक्ट टू सोशियो कल्चरल, ठीक है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं आज के भी टाइम पे, बट विल डिस्कस इन लेंथ। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें अकबर ने इम्प्लीमेंट करी। हुमायूं के साथ विल ऑल्सो डिस्कस कि फॉर अ वाइल देर वॉज अ शेर शाह सूरी पीरियड। ठीक है, जब हुमायूं ईरान भाग गया था, ठीक है, टू एस्केप द डिफीट बाय शेर शाह सूरी, तो हम शेर शाह सूरी का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड एट द सेम टाइम विल अंडरस्टैंड कि वॉट लाइक द टू डिफरेंट बैटल्स। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बिकॉज ऑफ विच द शेर शाह सूरी वॉज एबल टू विन, ठीक है, और उसने क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करे थे, तो शेर शाह सूरी, ठीक है, एंड देन हाउ हुमायूं केम बैक फ्रॉम ईरान एंड विद द सपोर्ट ही वाज एबल टू डिफीट शेर शाह सूरी, एंड उसके बाद आपका बैरम खान, एंड बैरम खान से आपका अकबर। बैरम खान वाज बेसिकली अ जनरल, ठीक है, इन मुगल डायनेसिटी। तो जब तक अकबर उस एज तक नहीं आ पाए जहां पे वो खुद के डिसीजन ले सकते थे, तब तक बैरम खान ने ही उनको गाइड करा एंड ऑल द डिसीजंस ऑफ द मुगल आर्मी वाज टेकन बाय बैरम खान। ठीक है, इसके अलावा विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट महामंगा। ठीक है, बेसिकली जो मदर या फिर जो आंट थे उनका जो इन्फ्लुएंस था वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ गया था बिकॉज अकबर वॉज वेरी वेरी स्मॉल व्हेन ही बिकेम द रूलर ऑफ मुगल डायनेसिटी। ठीक है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो महामंगा का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा देखेंगे एंड देन विल अंडरस्टैंड, राइट? सो दिस विल बी द कंटेंट फॉर टुडेज लेक्चर, राइट? लेट्स स्टार्ट। तो हुमायूं का जो फंडा है, हुमायूं का जो टाइमलाइन है ना, बेसिकली इज फ्रॉम 1532 1540, राइट? सो हुमायूं हैड टू फेस मेनी चैलेंजेस आफ्टर कमिंग टू पावर एक्सटर्नली एंड इंटरनली। ठीक है, क्योंकि जब मुगल डायनेसिटी इस्टेब्लिश हुई तो बाबर एक लड़ाई लड़के आए हुए थे, तो बाबर एक बेसिकली लड़ाई लड़के आया था, उसके बाद आपका हुमायूं जो आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर हुमायूं टुक ओवर, राइट? तो इंटरनली, व्हेन वी से इंटरनली, इंटरनली का मतलब ये होता है कि भाई देखो, पहले के जमाने में ना एक गद्दी होती थी और उस गद्दी के लिए जो फाइट्स होती थी वो इंटरनली भी काफी होती थी, ठीक है, इन बिटवीन फैमिलीज होती थी कि किसका बेटा रूलर बनेगा या किसका बेटा क्या बनेगा। ठीक है, एक्सटर्नली वी ऑल नो दैट देवर इन्वेजन्स, आपका सेंट्रल एशिया से जंगेज खान वाला पीरियड, सेंट्रल एशिया हो गया आपका, अफगानिस्तान से तो ये थे ही, उसके बियॉन्ड आपका तुर्की वाला जो एरिया है वहां से इन्वेजन्स। सो इन्वेजन्स वर ऑलवेज एक्सटर्नली, बट इंटरनली ऑल्सो देर वर अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, जैसे कि फैमिलीज के अदर ये डिस्प्यूट रहता था कि भाई हु विल बी द नेक्स्ट इन किन, ठीक है, हु विल बी द नेक्स्ट रूलर, राइट? नेक्स्ट रूलर। सो टू एड्रेस दोज थिंग्स व्हेन हुमायूं बिकेम द रूलर, उसके बाद टू सॉल्व द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉट ही डिड, वॉट इसने अफगानिस्तान को पूरा बंटवारा कर दिया अपने भाइयों के बीच में। ठीक है, सो द एरिया ऑफ अफगानिस्तान, काबुल, कांधार, इसने अपने भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स। ठीक है, तो हिज ब्रदर्स नेम वर कामरान, अश्करी एंड हिंडल, HINDL। ठीक है, बियॉन्ड दैट इन 1534 ही हैड टू फेस अ चैलेंज फ्रॉम द गुजरात रूलर बहादुर शाह। ठीक है, तो 1534 अगर आप देखोगे ना, जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करी थी, तो उसके अंदर आपका जो यूरोपियन इन्वेजन था वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका था। ठीक है, तो इस टाइम पे जब गुजरात का जो रूलर था बहादुर शाह, उसने जब हुमायूं को चैलेंज करा, तो बियॉन्ड दैट बेसिकली जो बहादुर शाह था ही वॉज किल्ड बाय द पोर्तुगीज। ठीक है, सो किल्ड बाय पोर्तुगीज, सो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर वन वॉज दिस ओनली, वेन द गुजरात रूलर बहादुर शाह वॉज चैलेंजिंग हुमायूं, बट हुमायूं के लिए बेनिफिट ये था कि जो पोर्तुगीज थे देवर एबल टू फिनिश बहादुर शाह बिफोर इट कैन कॉज एनी ट्रबल टू हुमायूं। ठीक है, आपके उसके बाद क्या था कि सो दिस वाज इन गुजरात, राइट?
गुजरात के अलावा देर वॉज अनदर अफगान बेस्ड रूलर. सो हुमायूं, बट हुमायूं वॉज नॉट एबल टू डिफीट द अफगान रूलर ऑफ बंगाल बिहार हुज नेम वॉज शेरशाह सूरी. इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है. एंड ही डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस इन टू सक्सेसिव बैटल्स ऑफ 1539 एंड 1540, विच वॉज बैटल ऑफ कन्नौज एंड बैटल ऑफ चौसा. ठीक है, सो डेट्स एंड ईयर इज इंपॉर्टेंट. 1539 यू हैव बैटल ऑफ कन्नौज एंड 1540 यू हैव बैटल ऑफ चौसा. ठीक है, दोनों ही बैटल में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को अच्छी डिफीट दी. ठीक है, और डिफीट लेने के बाद बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज मुगल जो एम्परर है हुमायूं, ही एस्केप टू ईरान. ठीक है, सो हुमायूं हैड टू फ्लू फ्रॉम इंडिया एंड सीक रिफ्यूज इन ईरान. सो दिस इज ईरान बेसिकली. ठीक है, एंड ईरान में बेसिकली क्या है, इफ यू नो यू, आज के टाइम पे भी ईरान एंड सऊदी अरेबिया बेसिकली टू पावर हाउसेस ऑफ शिया एंड सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी. ठीक है, सो बेसिकली ईरान जो है आपका शिया डोमिनेट वहाँ पे जो कम्युनिटी है वहाँ पे शिया की डोमिनेंस ज़्यादा है. सो व्हेन हुमायूं एस्केप फ्रॉम इंडिया टू ईरान, तो एज अ रेफ्यूजी ही एक्सेप्टेड द शिया इस्लाम फर्स्ट एंड देन ही वॉज गिवन द रेफ्यूज इन ईरान. ठीक है, सो इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी शुड ऑलवेज नो कि इस्लाम बेसिकली आपका शिया सुन्नी के बियॉन्ड भी है. ठीक है, सो इट्स जस्ट अ बाइफिकेशन, बट यस एट दैट टाइम इट वॉज अ ह्यूज थिंग. राइट नाउ, अब जब मुगल एम्परर हुमायूं ही भाग गया है तो शेरशाह सूरी वॉज एबल टू स्टैब्लिश हिज ओन डायनेसिटी. ठीक है, तो इन दिल्ली शेरशाह सूरी वॉज एबल टू स्टैब्लिश द सूरी एम्पायर विच वॉज फ्रॉम 1542 टू 1555. तो इस 15 साल के टेन्योर के अंदर शेरशाह सूरी ने जो सूरी एम्पायर स्टैब्लिश करा उसने बहुत सी ऐसी चीजें स्टैब्लिश करी एज अ पॉलिसी. ठीक है, पॉलिसी जो कि आगे तक काफी ज्यादा यूज हुई. ठीक है, सो शेरशाह सूरी बेसिकली मरा कब था, कलिंजार में मरा था. ठीक है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही टुक मेनी इनिशिएटिव्स. ही क्रिएटेड सबसे पहला जो था जो कॉन्सेप्ट आपका डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, कि भाई एक सेंट्रल हेड के बियॉन्ड भी आपको एक लिमिटेड पावर्स स्टेट्स को या विलेजेस को या ग्राम पंचायत लेवल पे आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, डिसेंट्रलाइज करनी पड़ेगी, सो दैट द एफिशिएंसी इन टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी कैन बी इम्प्रूव. राइट, सो दैट सेम द सेम कॉन्सेप्ट जो कोर लेवल पे जो कॉन्सेप्ट था दैट वॉज गिवन बाई द शेरशाह सूरी, सो उसको उसने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से बोला. ठीक है, इसी को आगे जाके अकबर ने और 3-4 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करा था, वेयर एक प्रोविंस, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, विलेज. तो आप जैसे होता है ना कि यू हैव कंट्री, राइट, देन यू हैव अ स्टेट, देन यू हैव अ सिटी, देन यू हैव अ डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, देन यू हैव अ विलेज और यू कैन से टाउन, देन यू हैव अ विलेज. तो ऐसे जितना ज्यादा बाइफिकेशन हो सकता है उतना पॉसिबल हो सकता है आज के टाइम पे, बट कोर लेवल पे जो जिस बंदे ने ये शुरुआत करी थी इट वॉज गिवन बाई शेरशाह सूरी एज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज फर्दर इलेबोरेटेड बाय अकबर. तो हम जब अभी अकबर के बारे में डिस्कस करेंगे यू विल गेट टू नो कि भाई अकबर ने और क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट या एक्सटेंड करी थी ऑफ दिस पॉलिसी. ठीक है, सो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट सबसे पहला पॉलिसी इंप्लीमेंट करा था शेरशाह सूरी ने. ठीक है, द सेकेंड पॉलिसी जो शेरशाह सूरी ने इंप्लीमेंट करी वॉज ही स्टार्टेड द कोडिफिकेशन ऑफ शरीयत लॉ फॉर एजुकेशन पर्पज. ठीक है, बेसिकली इट्स अ रिलीजियस एजुकेशन, तो उसमें शरीयत लॉ का जो कोडिफिकेशन है वो स्टार्ट हुआ सो दैट पीपल कैन बी मोर अवेयर अबाउट इट. ठीक है, जो तीसरा पॉइंट था जो शेरशाह सूरी ने स्टार्ट करा, ही क्रिएटेड मेनी ग्रैंड हाईवे. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये जो हम ग्रैंड ट्रंक रोड जो जिसको जीटी रोड भी बोलते हैं विच कनेक्ट्स पेशावर टू कोलकाता, इसकी शुरुआत या इसकी नींव या इसको बिल्ड करने का जो फंडा है या जो जिसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए इट वॉज शेरशाह सूरी ओनली. ठीक है, सो ही क्रिएटेड मेनी ग्रैंड हाईवेज इन इंडिया इंक्लूडिंग बादशाह रोड और ग्रैंड ट्रंक रोड. सो ग्रैंड ट्रंक रोड इज ऑल्सो नोन एज बादशाह रोड. ठीक है, सो इट रन्स फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर. ठीक है, ऊपर नेपाल के रास्ते से पहाड़ों से होता हुआ इट गोज टू पेशावर. ठीक है, एंड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रोड, ठीक है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई गई है उसके दोनों तरफ उसने रेस्टिंग प्लेसेस बनाए जिसको सराय बोलते हैं. ठीक है, तो अगर आप कभी दिल्ली में हो एंड इफ यू एवर हर्ड अबाउट सराय काले खां, तो सराय काले खां, तो सराय इज लाइक अ रेस्टिंग प्लेस ऑफ काले खां, इज वॉज अ सूफी सेंट. ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ सराय मीन्स अ रेस्टिंग प्लेस. ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सराय जहाँ पे आप हाईवे आपने बना दिया और उसके दोनों तरफ आपने एक रेस्टिंग प्लेसेस बना दिए सो दैट पीपल हु आर ट्रेवलिंग ऑन दैट हाईवे विल ऑलवेज कैन
कैन फाइंड कंफर्ट या फिर कंफर्टेबल रेस्टिंग प्लेसेस सो दैट दे कैन कीप कंटिन्यूइंग देयर जर्नी. ठीक है. ऑल्सो शेषासुरी क्रिएटेड दिस ग्रैंड ट्रंक रोड आउट ऑफ द मेनी मेनी हाईवेज दैट ही हैज क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ कनेक्टिविटी. इसमें से ये इंपॉर्टेंट है ग्रैंड ट्रंक रोड विच इज ऑल्सो नोन एज बादशाह रोड. ठीक है. इसके बियॉन्ड वॉट ही डिड वॉज, ये आप में से कई लोगों को सुना होगा आज के टाइम पे, बट मुझे नहीं पता कि हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, बट जो हम रुपया बोलते हैं ना एज अ करेंसी, सो दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय शेरशाह सूर्योनी कि ही इंट्रोड्यूस रुपया इन सिल्वर, कि भाई एक कॉइन है जो सिल्वर का है उसको आप रुपया बोलोगे, एंड अगर आप वो कॉपर का हो तो उसको दाम बोलते हैं कि इसका दाम क्या है, कहते हैं ना हम कि इसका दाम क्या है, तो दाम इज बेसिकली योर कॉपर करेंसी एंड रुपया वॉज योर सिल्वर करेंसी. ठीक है. सो आई होप दिस इज अ फैसिनेटिंग, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आउट ऑफ द ब्लू जनरेट नहीं हुई है, ये मुगल डायनेसिटीज एंड बिकॉज इंडिया इज अ फ्यूजन ऑफ ऑल द कल्चरल मिक्सेस. ठीक है. तो उसके इफ यू लुक एट इट, सो यस द रुपया एंड द दाम वॉज द करेंसी इन सिल्वर एंड कॉपर विच वॉज गिवन बाय शेरशाह सूरी. ठीक है. अब इसके अलावा देखो एक और मस्त फैक्ट है, शेरशाह सूरी वॉज ऑल्सो द इनिशिएटर ऑफ पोस्टल सिस्टम इन इंडिया विच वॉज ऑल्सो नोन एज डाक खाना. ठीक है. डाक आई है या डाकिया डाक लाया कहते हैं ना, डाकिया डाक लाया. सो बेसिकली दिस डाक इज नोन एज डाक खाना विच लेटर ऑन बिकेम द इंडियन पोस्टल सिस्टम पूरा. ठीक है. सो अगेन दिस डाक खाना कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय शेरशाह सूरी एज कि भाई जो फार फ्लंग एरियाज हैं वहां तक आप कम्युनिकेशन कैसे स्टैब्लिश कर सकते हो थ्रू दिस सिस्टम ऑफ डाक खाना. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड वॉज जब तक शेरशाह सूरी ने ये सब इंप्लीमेंट करा तो भाई हुमायूं जो ईरान भाग गया था ही केम बैक. सो इन 1555 हुमायूं केम बैक फ्रॉम ईरान. ठीक है. विद द सपोर्ट फ्रॉम द ईरानियन रूलर शाह तमाश, TAMASP. ठीक है. शाह तमाश ईरानियन रूलर था. ठीक है. उसके हेल्प के साथ हुमायूं ने क्या करा, शेरशाह सूरी को एलिमिनेट कराया. एंड वेयर डिड ही डाइड, ही डाइड इन कलिंजर. ठीक है. वे कलिंजर कहाँ है ये आप गूगल कर सकते हो. ठीक है. नाउ सो रिक्वेस्टेड फ्रॉम ईरानियन रूलर शाह तमाश, हुमायूं एलिमिनेटेड शेरशाह सूरी एंड एस्टैब्लिश मुगल रूल इन इंडिया. ठीक है. वापस आ गया वो. नाउ अब जब हुमायूं का टेन्योर स्टार्ट हुआ तो हुमायूं मरा कैसे, हुमायूं बेसिकली अपनी जो लाइब्रेरी है जिसको ऑब्जर्वेटरी भी कहते हैं उसमें से उधर गिर के मर गया, विच वॉज नोन एज शेर मंडल. शेर मंडल. ठीक है. इसके बियॉन्ड जब अब देखो शेरशाह सूरी मरा, शेरशाह सूरी के बाद हुमायूं मरा, हुमायूं के मरते ही फिर से जो सूरी जो डायनेसिटी थी उसका जो नेक्स्ट इन किन था आफ्टर शेरशाह सूरी इट वॉज हेमू. ठीक है. सो वॉट हेमू डिड, हेमू ने डायरेक्टली आपका दिल्ली दिल्ली बिकॉज जो भी सल्तनत थी हमारी लोडी तुगलक खिलजीज सबका सेंटर आपका दिल्ली ही था. ठीक है. सो इफ यू कैप्चर दिल्ली दैट मीन्स यू यू आर द रूलर ऑफ इंडिया. तो आफ्टर द डिमाइस ऑफ हुमायूं हेमू हु वाज नेक्स्ट इन किन ऑफ शेरशाह सूरी ही कैप्चर्ड दिल्ली. ठीक है. एंड एस्टैब्लिश अगेन द सूरी डायनेसिटी. अब उस टाइम पे क्या था, हुमायूं के बाद अकबर आना था बट अकबर उस टाइम पे बहुत छोटा था. ठीक है. तो इस मोमेंट पे जो मुगल डायनेसिटी का जनरल था, मुगल जनरल हुज नेम वाज बैरम खान, ही फॉट अगेंस्ट हुमायूं इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556. ठीक है. एंड ही इवेंचुअली किल्ड, ही बिहेडेड द हेमू, ही बिहेडेड हेमू. ठीक है. एंड ही इवेंचुअली मेड अकबर एज द नेक्स्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेसिटी. ठीक है. सो मुगल जनरल बैरम खान फॉट हेमू एंड वॉन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556. ही इवेंचुअली बिहेडेड हिम विच मेड अकबर एज द नेक्स्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेसिटी. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर हुमायूं एंड छोटे से जो शेरशाह सूरी के बारे में था, छोटी सी जो सूरी डायनेसिटी थी विच इज स्पेसिफिक टू शेरशाह सूरी एंड हेमू, इसके बारे में ये पूरी किस्से कहानी थी. ठीक है. नाउ विल डिस्कस अबाउट अकबर. ठीक है. तो अकबर का टेन्योर कब से शुरू हुआ, 1556 से, जब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज बॉर्न वॉन बाय बैरम खान. राइट. तो अकबर का टेन्योर 1556 से 1605 तक गया. ही इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पैक्टफुल मुगल रूलर. ठीक है. क्योंकि उसने बहुत सी ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी जो उससे पहले कभी किसी ने इंप्लीमेंट नहीं करी थी. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट अकबर. सो वी ऑल नो दैट इनिशियली अकबर वॉज वर्किंग अंडर सुपरविजन ऑफ बैरम खान हु वॉज अ मुगल जनरल. ठीक है. मुगल जनरल. इन 1560 बैरम खान डाइड एंड फ्रॉम 1560 टू 62. ठीक है. मतलब 6 साल तक. 1556 में अकबर रूलर बना, उसके बाद 1560 में बैरम खान मर गया. 1560 से लेकर 62 तक जब तक अकबर बड़ा हुआ 2 साल में, और
दे वॉज अ इन्फ्लुएंस ऑफ महामंगा इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. महामंगा बेसिकली आपके जो फीमेल होते हैं घर के, मदर हो सकते हैं, आंट हो सकते हैं, दादी हो सकती हैं. सो देयर इन्फ्लुएंस वॉज देयर इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. फ्रॉम 1562 अकबर ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू करा एंड ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन एक्सपेंडिंग द टेरिटरीज ऑफ मुगल्स. ठीक है. तो उसने एनेक्स करे बंगाल, गुजरात, खंडेश, बिहार, काबुल, कश्मीर, मालवा एंड पार्ट्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ अहमदनगर. ठीक है. अब जैसे जैसे भाई एक्सपेंशन हो रहा है तो ऑब्वियसली देयर वाज अ मूवी, इफ यू नो दिस और नॉट, जोधा अकबर करके एक मूवी आई थी. ठीक है. तो मूवीज बियॉन्ड एंटरटेनमेंट कैन ऑल्सो बी टीचिंग यू समथिंग रेलिवेंट विथ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. ठीक है. तो तुमने अगर स्टार्टिंग में वो मूवी देखी होगी ना, तो उसमें एक पैगाम जाता है मुगल डेंसिटी की तरफ से सबको कि भाई आप लोग अपनी टेरिटरीज को हमारे हवाले कर देते हो, अदरवाइज दे विल बी अ वॉर अगेंस्ट मुगल डेनेसिटी. ठीक है. तो उसमें कुछ डेनेसीज ने गिव अप कर दिया, कुछ डेनेसीज लड़ी मुगल आर्मी से एंड इवेंचुअली दे लॉस्ट. सो आउट ऑफ द मेनी देर वॉज देर वर राजपूत ऑल्सो. ठीक है. तो जोधा अकबर में से जो जोधा थी वो आमेर की वो थी, प्रिंसेस. ठीक है. एंड शी वॉज अ राजपूत. अंडरस्टूड. नाउ विथ राजपूत्स ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशंस, राइट, वेयर बाय इफ राजपूत्स एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर देन दे वुड बी गिवन फुल ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस इन देयर एरियाज. ठीक है. तो राजपूत्स, बिकॉज राजपूत्स वर कंसिडर टू बी द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स इन इंडिया. ठीक है. राजपूत्स का नाम काफी ज्यादा फेमस है बिकॉज दे आर कंसिडर टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स. ठीक है. वो सिर झुकाने वालों में से नहीं है. ठीक है. सो विद देम अकबर एंड मुगल डायनेस्टी व्हाट दे डिड, दे हैड दिस पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन कि अगर आप हमारी मुगल डायनेस्टी की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हैं देन विल अलाउ यू टू कंट्रोल योर एरिया विद फुल इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी. ठीक है. अब देखो, एक कॉन्सेप्ट तो ये था राजपूत का, एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी था जहां पे महाराणा प्रताप द वेरी फेमस, आई मीन द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेवेस्ट. ठीक है. सो महाराणा प्रताप व्हाट ही डिड, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस सुप्रीमेसी ऑफ मुगल डायनेसिटी एंड ही वेंट टू द वॉर विथ मुगल डायनेसिटी व्हिच वाज फेमसली नोन एज बैटल ऑफ हल्दीघाटी. ठीक है. बैटल ऑफ हल्दीघाटी. अब बेसिकली बैटल ऑफ हल्दीघाटी का क्या सीन था कि उस वॉर में ना वो वॉर इनकंक्लूसिव थी बिकॉज महाराणा प्रताप वॉज एबल टू एस्केप. ठीक है. वो हारे नहीं बट वो जीते भी नहीं, बट ही वॉज एबल टू एस्केप फ्रॉम द बैटल. आई थिंक हिज हॉर्स नेम वॉज चेतक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन चेक इट. तो महाराणा प्रताप वॉज ऑफ मेवा, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एंड बैटल ऑफ हल्दीघाटी हैपेंड. ठीक है. वॉर वॉज इनकंक्लूसिव एंड मेवार कुड नॉट बी एनेक्स. ठीक है. बिकॉज ऑब्वियसली योर रूलर वॉज नॉट किल्ड. ठीक है. तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज एन इम्पॉर्टेंट बैटल. देन बैटल ऑफ खानसा एंड चौसा जो हमें ऊपर डिस्कस करा, दीज आर लाइक सम ऑफ द बैट इम्पॉर्टेंट बैटल्स, राइट. नाउ अकबर इवेंचुअली डाइड इन 1605 आफ्टर विच हिज सन जहांगीर बिकेम द नेक्स्ट रूलर. ठीक है. अब देखो, ठीक है, उसकी डेथ 1605 में हो गई एंड विल डिस्कस अबाउट द इनिशिएटिव्स ऑफ अकबर इन द नेक्स्ट सेक्शन. ये चीज पता होनी चाहिए कि अकबर के जो कोर्ट था ना उसमें बीरबल भी था, ठीक है, उसके अंदर टोडरमल भी था एंड देर वर इन टोटल 9 ज्वेल्स, 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर कोर्ट. ठीक है ना. तो इसी में से एक जो वो था ज्वेल जो अकबर के कोर्ट का था, हिज नेम वाज मुल्ला दो प्याजा. मुल्ला दो प्याजा कौन था, ही वाज द सन ऑफ बैरम खां. ही वाज द सन ऑफ बैरम खां. ठीक है. बैरम खां कौन था, मुगल जनरल. ठीक है. जिसने अकबर को पालपोस के बड़ा, मतलब पालपोस के नहीं बट ही वाज गाइडिंग अकबर टू टेक द डिसीजंस अनटिल अनलेस अकबर बिकेम ओल्ड इनफ टू टेक हिज ओन डिसीजंस. ठीक है. सो मुल्ला दो प्याजा वॉज द सन ऑफ बैरम खान हुम अकबर अडॉप्टेड एंड ही बिकेम द वन ऑफ द 9 ज्वेल्स, वन ऑफ 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर. ठीक है. सो मुल्ला दो प्याजा इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन, यू कैन कीप इट, मतलब फैंसी नेम तो याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. नाउ सम इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स बाय अकबर. ठीक है. सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स में बात करेंगे. ठीक है. नाउ फॉर ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकबर डिवाइडेड मुगल एम्पायर इंटू द 16 प्रोविंसेस नोन एज सूबा. अब ये प्रोविंसेस वही है आपका जो शेरशाह सूरी ने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट से शुरू करा था. अंडरस्टूड. तो अकबर ने उसको एक्सटेंड करते हुए क्या करा, जो पूरा पूरा मुगल एम्पायर था उसको 16 प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड द प्रोविंसेस इन हिज ओन टर्मिनोलॉजी वॉज नोन एज सूबा.
ठीक है, अब उस सूबे के बियॉन्ड भी एक प्रोविंस, एक डिस्ट्रिक्ट, एक जोन कैसे कैसे बाइफिकेट हुए, ही फर्दर ऑन सब डिवाइडेड इट इनटू, ठीक है। सो सबसे ऊपर आपका सूबा आता है विच इज प्रोविंस, देन उसके नीचे आता सरकार विच इज मतलब जो जोन होता है, ठीक है। देन आता आपका परगना, PARGANA, परगना इज योर डिस्ट्रिक्ट। आज के टाइम पे वेस्ट बंगाल में एक जगह है 24 परगना, सो 24 परगना इज बेसिकली योर कॉम्बिनेशन ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑल टुगेदर, ठीक है। परगना इज योर डिस्ट्रिक्ट, देन उसके नीचे आता है महल, महल इज योर ब्लॉक और ग्रुप ऑफ विलेजेस, और सबसे लास्ट में आता है विलेज विच इज ग्राम, ठीक है। सो यू कैन सी जो कॉन्सेप्ट था सूबा का, तो 16 प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करा, मतलब 16 सूबे, और हर एक सूबे को फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू 5 मोर कैटेगरीज, सो दिस इज 5 कैटेगरीज इन टोटल, ठीक है। अब इसके बियॉन्ड क्या था इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ही आल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मनसबदारी सिस्टम। नाउ व्हाट इज दिस मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। ही आल्सो इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम, मनसाब का मतलब होता है ऑफिशियल्स, ठीक है। सो दिस वाज इनिशिएटेड बाय अकबर, ठीक है। अब इसमें फंडा क्या है कि ऑल द ऑफिसर्स इन द मुगल कोर्ट वुड बी नोन एज मनसबदार, ठीक है। मनसब का मतलब तो ऑफिशियल हो गया, एंड जो भी उसके कोर्ट में, मुगल कोर्ट में जितने भी ऑफिशियल्स हैं, ऑल आर नोन एज मनसबदार, ठीक है। अभी मनसबदारी सिस्टम में ना दो कॉन्सेप्ट, दो कॉम्पोनेंट्स हैं बेसिकली, जिसको जात बोलते हैं, ZAT, एंड द सेकेंड थिंग इज सवार, घुड़ सवार, अगर आपने सुना हो, बोलते हैं ना हिंदी में एक वर्ड है घुड़ सवार, बेसिकली अ पर्सन हु राइड्स द हॉर्सेस, घुड़ सवार, ठीक है। सो दिस सवार एंड जात आर द टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनसाबदारी सिस्टम। नाउ व्हाट इज अ जात, ठीक है। सो बेसिकली जात इज नोन एज अ पर्सनल रैंक ऑफ मनसाबदार इन द ऑफिशियल हायरार्की, एंड अकॉर्डिंग टू द रैंक ही रिसीव्स द पेमेंट, ठीक है। मॉनिटरी बेनिफिट्स किस रैंकिंग ऑफिशियल्स को कितनी मिलनी चाहिए, ये डिसाइड होता है उसके जात के बेसिस पे, ठीक है। और वो जात किसकी होनी चाहिए, एक मनसबदार की, कि भाई अगर कोई मनसबदार है तो वो किस कौन सी जात पे, मतलब जैसे ए ग्रेड ऑफिसर है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, राइट। और अगर ए ग्रेड का है तो उसको कितनी पेमेंट मिलनी चाहिए, कैसे पेमेंट मिलनी चाहिए, ऑल दिस कॉन्सेप्ट वॉज क्यूमुलेटिव इन टू जात, विच इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ मनसबदार सिस्टम, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द पेमेंट वी हैव टू टाइप्स ऑफ मनसबदार्स, ठीक है। नकदी मनसबदार, नकदी मतलब कैश, इन विच द पेमेंट इज मेड इन कैश, एंड सेकेंड इज योर जागीरदार, जागीरदार मतलब वो होता है जिसमें जमीन दी जाती है एज अ मोड ऑफ पेमेंट, कि भाई ठीक है कैश नहीं है, मतलब नकदी नहीं मिल रही है, तो तुम जमीन का हिस्सा ले लो। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ जागीरदारी सिस्टम इज कि जागीर जो दी जाती है जमीन पे, इट इज अ लाइक जो दी जाती है वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए दी जाती है, लेट्स से 10 साल के लिए दी जा रही है, ठीक है। तो इन 10 ईयर्स द मनसबदार हु गॉट दिस जागीर कैन डू एनीथिंग ऑन दैट, ठीक है। कल्टिवेशन कर सकता है, प्रॉफिट ले सकता है, या पीजेंट्स को बोल सकता है कि भाई तुम लोग खेती करो, और जितने भी जो कल्टिवेशन है या जो फार्म आउटपुट है उसका 30% मैं रख लूंगा, बाकी तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू, बट इट इट विल ऑलवेज रिमेन अ टेम्परेरी एसेट, क्योंकि जो जागीर दी गई है वो वापस ले ले भी जा सकती है। तो जागीर वॉज ग्रांटेड फॉर टेम्परेरी पीरियड, और वो इट इज नेवर अ हेरिडेटरी और ट्रांसफरेबल, कि जैसे किसी एक मनसबदार को मिली, ठीक है। अब अगर उसकी कोई औलाद हो गई, या फिर इफ ही हैज अ सन, तो ऐसा नहीं है कि वो जो जागीर उसको उसके फादर को मिली थी वो सेम जागीर उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाएगी, दिस विल नॉट बी द केस, ठीक है। बट यस, ऑन द अदर हैंड नकदी मनसबदार इज लाइक द पेमेंट इज मेड इन कैश, ठीक है। सो आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जात, विच इज द वन फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ मनसबदारी सिस्टम, और उसके अंदर जो मोड ऑफ पेमेंट है देर आर टू, यू हैव नकदी एंड यू हैव जागीरदार, ठीक है। द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ मनसबदारी सिस्टम इज योर सवार, ठीक है। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड सोल्जर्स मेंटेन बाय द मनसबदार अकॉर्डिंग टू हिज जात रैंक, ठीक है। अगर एक मनसबदार है, लेट्स से वो ए ग्रेड ऑफिशियल है, लेट्स से ए ग्रेड का ऑफिसर है, राइट। अब ए ग्रेड का ऑफिसर है तो वो कितने सोल्जर्स रख सकता है, लेट्स से 10 सोल्जर्स, ठीक है, एंड लेट्स से 20 हॉर्सेस, ठीक है। सो सवार का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड सोल्जर्स मेंटेन बाय मनसबदार अकॉर्डिंग टू हिज जात रैंक, ठीक है। सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम, एंड द टू टाइप्स ऑफ पेमेंट आर योर नकदी एंड यू हैव योर जागीर, ठीक है। सो दिस वॉज स्पेसिफिक टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी विच वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई अकबर, ठीक है, जिसके अंदर पहले तो आपका प्रोविंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड देन योर मनसबदारी सिस्टम, राइट। नाउ
there were few initiatives in terms of economy also. So initiatives by Akbar in economy. So when Akbar assumed the full-fledged power, Mughal India became the second largest GDP of the world. ठीक है, जब उसने सारी टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर दी, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया एंड मुगल डायनेस्टी वाज एबल टू थ्राइव, तो उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड मुगल डायनेस्टी वाज नंबर सेकंड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी. ठीक है, इतना उनका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो जनरेट होता था. ठीक है, इसके अलावा देर वॉज वन कोर्ट पोएट, मतलब वन ज्वेल ऑफ अकबर्स कोर्ट, हु वॉज राजा टोडरमल. ठीक है, एंड ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, राइट. अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का फंडा क्या है, जो कि राजा टोडरमल ने दिया था. नाउ अब इसमें क्या है कि लैंड जो है वो तीन कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तीन नहीं चार बेसिकली. ठीक है, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ, तो इसमें होता क्या है, जो लैंड जिस टाइप की होगी उसी लैंड से अकॉर्डिंगली ही उससे जो टैक्स होगा वो लिया जाएगा, राइट. सो अंडर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन व्हाट राजा टोडरमल इंट्रोड्यूस वाज द लैंड वाज सर्वेड, द लैंड विल बी सर्वेड एंड क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. ठीक है, नाउ जो सबसे पहली टाइप की लैंड है दैट इज योर पोलाज लैंड, पोलाज लैंड. ठीक है, पोलाज लैंड का क्या मतलब है कि भाई जो जमीन है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है. ठीक है, एंड इट विल अट्रैक्ट द मैक्सिमम टैक्स अमाउंट. ठीक है, कुछ भी उगा रहे हो उसमें सबसे ज्यादा ऐसे 30% टैक्स, या क्योंकि वो जमीन इतनी फर्टाइल है कि आप एक साल में उस पर दो तीन क्रॉप्स उगा सकते हो, तो अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा बिकॉज रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा आ रहा है उस लैंड से. ठीक है, द सेकेंड टाइप ऑफ लैंड इज योर पराती, PARATI, पराती लैंड. पराती लैंड का क्या मतलब है कि इसमें क्या है कि वो जमीन को एक साल तक आप आइडियल छोड़ रहे हो सो दैट उसकी फर्टिलिटी वापस आ सके, एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वट एवर यू ग्रो उस पर आपका टैक्स लगेगा. ठीक है, सो द लैंड इज लेफ्ट फॉर 1 ईयर टू रीगेन फर्टिलिटी एंड द टैक्सेशन विल बी इम्पोज ऑन द ऑल्टरनेट ईयर. मतलब फर्स्ट ईयर अगर खाली छोड़ दिया तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, क्योंकि जो भी कल्टिवेशन होगी वो सेकेंड ईयर होगी, तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स तुम्हारा टैक्स लगना, टैक्स टैक्स विल बी इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. सो पराती लैंड इज योर सेकेंड टाइप ऑफ लैंड. ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ लैंड इज काकर लैंड, CACHAR, काकर लैंड. ठीक है, काकर लैंड का क्या मतलब है, द लैंड इज लेफ्ट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, टू रिगेन फर्टिलिटी एंड द टैक्स विल बी इम्पोज ऑन थर्ड ईयर. तो पहले 2 साल तक तो खाली छोड़ दिया सो दैट फर्टिलिटी कैन बी रिगेन बाय द सॉइल, और जो थर्ड ईयर में आप जो उगा रहे हो उस पर आपका सीधा टैक्सेशन लगेगा. तो द फंडा इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे वो हुआ कल्टीवेशन, उसके बाद फिर से 4 5 ईयर छोड़ दिया एंड 6th ईयर अगेन, मतलब जब भी आपका कल्टीवेशन होगा तो आपका टैक्सेशन होगा, इन बिटवीन आपका 2 साल का लीज पीरियड छोड़ दिया कि भाई ठीक है लेट द लैंड रिगेन इट्स फर्टिनिटी. ठीक है, तो दिस इज योर काकर लैंड, CACHER. ठीक है, तो ये सारे लैंड के टाइप में मतलब जो बाइफिकेशन है वो हुआ था सो दैट अकॉर्डिंगली द टैक्सेस कैन बी चार्ज. ठीक है, द लास्ट टाइप ऑफ लैंड इज योर बंजर लैंड. अब बंजर लैंड का क्या बताया कि भाई एक तो ये जमीन वो है कि जिसपे लीज फर्टिलिटी है कि कुछ भी नहीं उग रहा, तो इसमें 5 साल से ज्यादा तक वो जमीन को छोड़ दिया जाता है कि भाई अगर कभी इस पे फर्टिलिटी रीगेन होती है तो इस पे कम से कम टैक्स लगा के इसमें जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो आप गेन कर सकते हो. सो दिस टाइप ऑफ लैंड इज लीज फर्टाइल एंड इट इज लेफ्ट फॉर ग्रेटर देन 5 ईयर्स टू रीगेन फर्टिलिटी एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स इन अ ईयर फॉर कल्टिवेशन इज अलॉटेड टू दिस टाइप ऑफ लैंड. ठीक है, इस पे अगर आप कुछ भी उगा रहे हो, लेट से ज्वार उगा दिया आपने, तो अगर वो बंजर लैंड है उस पर अगर आपने ज्वार उगा दिया तो उसका जो टैक्स लगेगा वो सबसे कम लगेगा बिकॉज ऑब्वियसली 5 साल से ज्यादा तो उस लैंड को आइडियल छोड़ना पड़ता है टू लेट इट रीगेन इट्स फर्टिलिटी. ठीक है, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ इनिशिएटिव अंडर अकबर्स रेजिम वॉज सोशियो रिलीजियस, राइट. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग वॉट ही डिड वॉज ही बैलेंस्ड द जिजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स. तो बेसिकली जिजिया क्या था, जो नॉन मुस्लिम्स थे टू बेसिकली अगर आपको अपने रिलीजन को प्रोफेस करना है या कोई भी अपने रिलीजियस के फेस्टिवल्स को इंजॉय करना है, इफ़ यू आर नॉन मुस्लिम देन यू हैव टू पे सर्टेन टैक्स टूवर्ड्स द डेनेसिटी. ठीक है, तो दैट वॉज नोन एज जिजिया टैक्स. ठीक है, एंड पिलग्रिमेज टैक्स भी वो होता है कि अगर कोई रिलीजन है जिसको आप एक्सपैंड करना चाहते हो एंड इफ यू आर प्रोफेसिंग अबाउट इट देन ऑल्सो यू हैव टू पे द टैक्सेस. ठीक है, इट कुड बी एनी रिलीजन. ठीक है, तो वॉट अकबर डिड ही अबॉलिश जिजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स, नंबर वन. ठीक है, इसके अलावा जो भी बैटल्स फॉट हुई तो उसमें जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर्स ही यूज टू कैप्चर, तो उसने अकबर ने उनका जो रिलीजियस कन्वर्जन है
ही स्टॉप डूइंग दैट. ठीक है, सो ही स्टॉप द कन्वर्टिंग ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर इन टू इस्लामिक फेथ. जो जिसका रिलीजन है उसको वहीं रहने दो, इवन दो द पर्सन इज कैप्चर्ड एज प्रिजनर ऑफ वॉर. देन ऑल्सो द रिलीजियस कन्वर्जन टूवर्ड्स इन टू रिलीजियस कन्वर्जन इन टू इस्लामिक फेथ इज स्टॉप्ड. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अकबर ऑल्सो ओपन इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी. ठीक है, दिस इज नियर आगरा. तो वॉट ही डिड वॉज ही ओपन इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट रिलीजियस लीडर्स. ठीक है, तो बेसिकली इबादत खाना बेसिकली आप आ सकते हो वहाँ पे, अपना जो भी रिलीजन है आप उसको उसमें प्रे कर सकते हो. सो ही स्टार्टेड ओपनिंग, मतलब ही ओपन दिस इबादत खाना इन फतेहपुर सीकरी. ठीक है, विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट रिलीजियस लीडर्स. ठीक है, तो अ सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म वॉज शोन. ठीक है, फतेहपुर सीकरी में इसने ओपन करा इबादत खाना. राइट, इसके अलावा अकबर प्रोपाउंडेड हिज न्यू थियोलॉजी तौहीद इलाही एंड दीन इलाही. ठीक है, सो विद अबव थियोलॉजी अकबर वांटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ सुबले कुल, सुबल SUBLIKUHL, विच मीन्स यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड. ठीक है, तो ये थियोलॉजी जो थी जो मास लेवल पे प्रोपोगेट करनी थी या करी अकबर ने, सो दिस वॉज लाइक ब्रदरहुड एंड यूनिवर्सल पीस अमंग ऑल द मासेस इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. ठीक है, सो दिस वॉज नोन एज सुबले कुल, SUBLIKUHL. ठीक है, और जो इसकी जो न्यू थियोलॉजीज थी दैट वॉज तौहीद इलाही एंड दीन इलाही. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अकबर रिलीज द डॉक्यूमेंट ऑफ मजहर, MAZHER, मजहर, और डिग्री ऑफ इनफैशिबिलिटी. नाउ व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ इनफैशिबिलिटी, वेयर बाय ही डिक्लेयर्ड दैट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द डिसीजन ऑफ द मुगल एम्परर विल बी फाइनल. तो बेसिकली जो कोर्ट का जो काम था वो अकबर एज अ रूलर या जो मुगल डायनेस्टी का जो भी एम्परर होगा उसका जो डिसीजन होगा वो ही फाइनल माना जाएगा. सो दैट बिकेम द कॉन्सेप्ट ऑफ मजहर, MAZHER. ठीक है, ऑल्सो अकबर ऑल्सो गेव द ह्यूज फंड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोविंद देव टेम्पल इन मथुरा. ठीक है, सो अगेन अ सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म वॉज ऑफर्ड बाई हिम. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट अकबर एंड दिस वॉज ऑल अबाउट लेक्चर 14. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर इज योर लेक्चर 15, इन विच विल डिस्कस स्पेसिफिकली अबाउट योर जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब. ठीक है, एंड आई थिंक आफ्टर दिस वन मोर लेक्चर विल बी देयर विथ विच विल बी क्लोजिंग एंशियंट मिडिवल सब्जेक्ट, दैट वुड बी योर बहमानी किंगडम. आई थिंक दिस विल बी लास्ट. ठीक है, एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच विल बी पिकिंग इज जियोग्राफी. ठीक है, मजा आएगा उसको पढ़ने में, बिकॉज हिस्ट्री इज समवेयर इज वेरी रिपीटेटिव एंड इट्स नॉट वेरी मतलब इन्फॉर्मेटिव है. टाइम लाइन्स आपको समझ में आते हैं, बट अगेन अगर आप एक सब्जेक्ट को रेगुलरली पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग ऑफर द अनदर सब्जेक्ट देन इट बिकम्स थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है. राइट, एंड जियोग्राफी इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड आई मीन ग्रेट कॉन्सेप्ट्स. राइट, तो नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर 15 विल कवर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, एंड आफ्टर दैट इन लेक्चर 16 विल कवर बहमानी किंगडम. एंड विद दिस विल बी क्लोजिंग ऑन एशियन एंड मिडिवल हिस्ट्री एंड देन विल स्टार्ट विद ब्रांड न्यू सब्जेक्ट नोन एज, मतलब ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड. आई विल सी यू द नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर.